गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आज हम नगरीय भूगोल के नए टॉपिक नगरीय आकार की पार्ट प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे या अर्बन मॉर्फोलॉजी दैट इज पार्ट वन द टॉपिक इट सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक सो हैव डिवाइडेड इट इन टू पार्ट्स टुडे विल टेक द इनिशिएटिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट अर्बन मॉर्फोलॉजी इज़ एंड वन ऑफ इट्स थ्योरीज मैं डॉक्टर संदीप यादव एसोसिएट प्रोफेसर इन जोग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी नगर की आंतरिक संरचना ही नगर की अर्बन मॉर्फोलॉजी कहलाती है उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो नगर की आंतरिक संरचना का जो तात्पर्य है वो नगर की इमारतों व उसके निर्मित भूभाग के प्रारूप एवं ढांचे का अध्ययन करने से है यह नगरीय ढांचा नगर के विकास उत्पत्ति और उसके कार्यों की अभिव्यक्ति करता है नगर की भूमि पर औद्योगिक इकाइयाँ व्यापारिक क्षेत्र प्रशासकीय क्षेत्र रिहायशी मकानों का जमाव मिलता है इनके साथ साथ सड़कों की बनावट का ढंग आदि भी आंतरिक संरचना का प्रतीक होता है आंतरिक संरचना पर जो कारक हैं वो कैसे प्रभाव डालते हैं इसके बारे में हम देखते हैं इस पर दो बातों का प्रभाव सामूहिक रूप से पड़ता है एक तो प्राकृतिक कारक या नेचुरल फैक्टर्स धरातलीय दशा ढाल की मात्रा एवं दिशा मिट्टी की विशेषता जल प्रवाह जलवायु की दशा जल की उपलब्धता बसावस्थान की स्थिति आदि कारकों का नगर की आंतरिक जल प्रवाह यह आंतरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है उदाहरण तय यदि नगर नदी के किनारे स्थित है तो उस नगर की संरचना का विस्तार नदी के प्रवाह मार्ग के अनुरूप होगा यह विशेष रूप से प्रमुख सड़कों के विस्तार पर प्रभाव डालती है आगरा दिल्ली यमुना नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ के अनुरूप अपनी आंतरिक संरचना रखते हैं वह सड़कों का विस्तार एवं दिशा इसी के अनुरूप बंगलुरु महानगर में सम्बोच रेखाओं व जलाशयों उदयपुर में जलाशयों व पहाड़ियों मसूरी और शिमला में सम्मोच रेखाओं ने सड़कों के जो जाल है उस पर प्रभाव डाला है और इन नगरों की आंतरिक संरचना को इनके अनुरूप विकसित किया है दूसरा है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर्स नगर को बसाने वाले लोगों के रीति रिवाज विचार तकनीकी ज्ञान धार्मिक संस्थान पुराना बाजार स्थल नगरीय चारदीवारी औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि बातें नगर की आंतरिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं जयपुर महानगर इसका एक उदाहरण है यह सब विशेषताएं एक नाभि के रूप में कार्य करती हैं जिनके चारों ओर फैलकर नगर का आंतरिक ढांचा विकसित होता है इस नाभि से जाने वाली सड़कों का प्रसार विशेष महत्व रखता है बी.एल. मेहता के अनुसार जयपुर नगर की नई सड़कें सीधी हैं जो उसके ग्रिड प्रारूप का ही विस्तार मात्र हैं नगर में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र उसी स्थान पर पाया जाता है जहां पर नगर के विभिन्न भागों से चौड़ी सड़कें आती हैं वह इस स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती हैं इस केंद्रीय भूभाग पर वही कार्य अधिक विकसित होते हैं जो उस बसाव स्थान का अधिक मूल्य दे सकते हैं स्पष्ट है कि आंतरिक संरचना गतिशील होती है समय के साथ साथ अपनी विशेषता व विस्तार में परिवर्तन कर लेती है अब आंतरिक संरचना पर विभिन्न शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है जैसे नगरों की आंतरिक संरचना का विकास दो शक्तियों के प्रभाव का परिणाम है प्रारंभिक विकास केंद्र नगर का केंद्र आकर्षण केंद्र होता है जब यह केंद्र पूरी तरह विकसित हो जाता है तब विकास नगर के बाहर की ओर होने लगता है इस प्रकार इन शक्तियों को इस प्रकार समझा जा सकता है केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ जो केंद्र की तरफ में खींच रही हैं सेंट्रिपिटल फोर्सेस नगर का प्रारंभिक विकास केंद्रोन्मुखी शक्तियों का परिणाम है प्राचीन काल में भारतीय नगरों में नदी के सीमांत भाग में नाभि के रूप में कार्य किया ये बहुत शीघ्र ही सघन रूप में बस गया यहाँ पर अनेक कार्य मिश्रित रूप में फैल गए चारदीवार नगरों व कस्बों में राजाओं ने प्रशासन शिक्षा व न्यास संबंधी कार्यों को किले महलों में स्थापित किया जबकि बाजार व सभा स्थल नगरों के मध्य भाग में स्थापित हो गए मध्यकाल में किलों व किले नुमा कैंपों ने अपने चारों ओर फैले क्षेत्र के लिए सुरक्षा आश्रय व साथ साथ प्रशासन की सीट के रूप में कार्य किया शांत वातावरण की स्थापना के साथ साथ व्यापार व वा वाणिज्य का विकास हुआ और यह कार्य मध्य के नग के भाग में अपना स्थान जमाने लगा नदी के किनारे की वह भाग जहाँ पुल बन गए या जहाँ नावें मार्ग की सुविधा थी वहाँ पर सभी प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों का जमाव हो गया नगरों के व्यापार क्षेत्र अर्थात सघन बसे क्षेत्र जैसे कि दिल्ली का चांदनी चौक वाराणसी का गोधलिया चौक बाजार क्रमशः यमुना और गंगा नदी के सहारे सहारे फैल गए मध्यकाल तक नगरों में प्रशासकीय धार्मिक व्यापारिक और रिहायशी आदि सभी प्रकार के कार्यों के जमाव के आकर्षण का केंद्र बिंदु नगर का केंद्रीय भाग या उससे सटा हुआ भाग रहा यहां पर कार्य मिश्रित रूप में फैल गए। दूसरी है केंद्र अभिमुखी शक्तियां या सेंट्री फ्यूगल फोर्सेस केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली नगरीय विकास के दूसरे चरण में केंद्र अभिमुखी शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्रों ने अपनी स्थिति में परिवर्तन अंकित किया नगर के केंद्र में फैला सघन व्यापारिक क्षेत्र अपने चारों ओर को जाने वाली सड़कों के सहारे सहारे बाहर की ओर फैलने लगा इन सड़कों पर कुछ प्रमुख वस्तुओं के बाजार स्थापित होने लगे पुरानी दिल्ली की सब्जी मंडी कानपुर की बैकुंठपुरी लेन वाराणसी में विश्वनाथ गली तथा थोक व्यापार मंडियाँ इस केंद्रीय भाग के समीपवर्ती भागों में सड़कों के सहारे सहारे स्थापित हो गई कुछ नगरों में सिविल लाइंस, कचहरी व कैंट की स्थापना ने नगरों की आंतरिक संरचना पर विस्तृत प्रभाव डाला इनको नगर के बाहरी छोर पर स्थापित किया गया जो केंद्र अभिमुखी शक्ति का उदाहरण है वृहद नगरों के उपनगर भी इसी प्रकार का प्रभाव का परिणाम है वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों तकनीकी विश्वविद्यालयों वृहद औद्योगिक इकाइयाँ रिहायशी अपार्टमेंट के, के निर्माण ने नगरों के बाहरी विस्तार को अपूर्व शक्ति प्रदान की है आंतरिक संरचना विकास प्रक्रम को जानेंगे ये जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है शहर के आंतरिक भाग में ये किस प्रकार से होता है नगर की वर्तमान संरचना एक लंबे समय में होने वाली घटनाओं का परिणाम है जिस प्रकार जीव विज्ञान एक भ्रूण के रूप ग्रहण की तीन अवस्थाएं बताता है ठीक उसी प्रकार नगरी भूगोल की नगर की आंतरिक संरचना विकास की तीन अवस्थाएं मानता है पहली है हिस्टोजेनेसिस या जीव पिंडोत्पत्ति इस अवस्था में भ्रूण के कोश का विकास होता है तथा उसे शारीरिक रूप मिलता है नगरीय विकास में यह अवस्था उसके प्रारंभिक विकास की सूचक होती है इससे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चलता है दूसरा पैटर्नोजेनेसिस या प्रतिरोत्पत्ति इस अवस्था में नगर का ढांचा या स्केलेटिन तैयार होता है नगर में सड़कों गलियों का विकास होता है स्थान स्थान पर विभिन्न कार्यों का फैलाव होने लगता है तथा नगरीय बस्ती में विभिन्न नाभी केंद्र बन जाते हैं और तीसरा है स्वरोत्पत्ति या मॉर्फोजेनेसिस इस अवस्था में नगर आंतरिक संरचना अंतिम रूप प्राप्त कर लेती है ये तीनों अवस्थाएं डिकिंसन द्वारा नगर के विकास की प्रक्रियाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है ये तो नगर की जो संरचना थी उसकी हमने बात की कि इसमें कौन कौन से कारक है उस पर प्रभाव डालते हैं अब नगरीय आंतरिक संरचना के सिद्धांत भी विद्वानों ने दिए हैं तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे संकेंद्रीय वाले सिद्धांत इन सिद्धांतों को नगरीय संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है थ्योरीज ऑफ अर्बन लैंड यूज ये नगर की आकारिकी के बारे में बताते हैं किन किन कारणों से नगर का वर्तमान स्वरूप सामने आया है तथा ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं जिससे वहाँ पर कोई अमुख कार्य विशेष उन्नति कर गया है यह सिद्धांत इस पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं यद्यपि प्रत्येक नगर की भीतरी संरचना अनन्वय होती है उसमें कार्यों के मिश्रित क्षेत्र होते हैं नगर के भीतर के भूमि उपयोग एवं संरचना के बारे में हम निम्न सिद्धांतों द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं पहला है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत या कंसेंट्रिक जोन थ्योरी इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने किया था यह सिद्धांत बताता है कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अर्य रूप में होता है रेडियल रूप में होता है जिसमें संकेंद्रीय वलों की एक श्रेणी बन जाती है उसकी संकेंद्रीय पेटियों की श्रेणियां एक आदर्शवादी विचारधारा है किसी भी नगर में उसकी यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती धरातलीय रुकावटें जैसे नदियां झीलें पहाड़ियां हिमनदी खाइया आदि नगर के क्षेत्रीय ढांचे को बिगाड़ देती हैं यातायात मार्ग जैसे कि रेल मार्ग मोटर मार्ग आदि भी इस ढांचे को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं नगरीय विकास को इन पांच संकेंद्रीय वलयों द्वारा समझाया जा सकता है पहला है आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको हम शॉर्ट में सीबीडी का नाम देते हैं उसने प्रथम या भीतरी क्षेत्र को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सीबीडी का नाम दिया है यह है वह स्थान है जहां गगनचुंबी इमारतें मिलती हैं यहां पर दुकानें थिएटर होटल कार्यालय तथा व्यापार प्रति, प्रतिष्ठान होते हैं यह क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार क्षेत्र हल्के विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला होता है शिकागो में इस क्षेत्र को लूप कहा जाता है न्यूयॉर्क में इसे ए रिहायशी एवं केंद्राभिमुख क्षेत्र अपटाउन एंड डाउनटाउन एरियाज कहते हैं पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया है अमेरिकी नगरों में यह क्षेत्र विशेष रूप से बहुत थोड़ी सी जगह घेरे रहता है यहाँ पर कम स्थान घेरने वाले उद्योग विकसित मिलते हैं इसका अधिकांश भाग ए रिहायशी देखने को मिलता है उसके जस्ट पास वाली जो पेटी है उसको हम कहते हैं संक्रमण पेटी या जोन ऑफ ट्रांजिशन ये पेटी सीबीडी को चारों ओर से घेरे रहती है इसके अंदर रिहायशी क्षेत्र होते हैं जिसमें जगह जगह उद्योग व व्यापारिक संस्थान होते हैं जो आंतरिक पेटी से आकर यहाँ बस जाते हैं यह क्षेत्र औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र होता है जिसका अतिक्रमण इन दोनों क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है इसलिए इसे संक्रमण क्षेत्र कहा गया है इस क्षेत्र को उसके उपयोग व बदली हुई विशेषता के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है नगर में रहने वाले पुराने लोगों के मकान पुरानी बनावट के मकान कमरों का किराए पर सुलभ होना कम आमदनी वाले लोग गंदे गंदे मकान व गलियां यहाँ पर देखने को मिलते हैं अमेरिका के अनेक नगरों में यह क्षेत्र नए अप्रवासियों द्वारा बसाया हुआ मिलता है तीसरा है श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र ये ट्रांजिशन जो उनके बाहर वाला क्षेत्र है यह क्षेत्र संक्रमण पेटी के चारों ओर से घेरे होता है यह देखने में संक्रमण पेटी से अच्छा लगता है यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं ये लोग नगर के भीतर पास में ही रहना पसंद करते हैं ताकि वे नगर में अपने काम करने के स्थान पर आसानी से पहुँच सकें यहाँ पर मध्यम श्रेणी के लोगों के मकान कम देखने को मिलते हैं शिकागो में यह क्षेत्र मकानों का क्षेत्र है जिसकी सीमा दो मंजिल वाले मकानों द्वारा निश्चित की गई है इसमें नीचे की मंजिल में मकान मालिक और ऊपर की मंजिल में किराएदार होता है चौथी पेटी जो है वो है श्रेष्ठतर रिहायशी मकानों का क्षेत्र या मध्यम श्रेणी के लोगों का निवास क्षेत्र यह पेटी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकान की पेटी के बाहर विस्तृत रूप में फैली होती है जहाँ पर व्यावसायिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं जिनमें छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक मैनेजर क्लर्क आदि आते हैं इमारतें कई कमरों वाली होती हैं अधिकांश मकानों में एक परिवार रहता है मकानों के आगे काफ़ी बड़ा खुला क्षेत्र होता है जिसका प्रयोग बाग बगीचे के रूप में होता है और पांचवी जो पेटी या आखिरी पेटी जो है वो है नगर का अभिगमन करने वालों का क्षेत्र यह नगर की बाहरी पेटी होती है जिसमें स्थित उपनगरीय क्षेत्रों तथा अनुषंगी नगरों या सैटेलाइट टाउन्स के साथ अभिगमन होता रहता है कुछ विद्वानों ने इस बाहरी पेटी की बस्तियों को शहनागर नगर या बेडरूम टाउन्स का नाम भी दिया है क्योंकि ये नगर में काम करने वाले लोगों को रात में आश्रय प्रदान करती हैं और दिन में ये लोग नगर में काम करने जाते हैं नगर की इस पेटी में भी तीव्र यातायात साधनों की सुविधा के साथ श्रेणी रिहायशी मकान देखने को हमें मिलते हैं तो बर्गिस ने जो ये सिद्धांत पांच पेटियों में दिया इसकी आलोचना भी देखने को मिली यह सिद्धांत नगर की भीतरी संरचना को आदर्श रूप में वर्णन करने वाला एक चित्रमय सिद्धांत है एम अलीहान कहता है कि पेटी का महत्व तभी हो सकता है जबकि उसकी सीमाएं उतार चढ़ाव के बीच भेद करती हों दिखती हों। यदि उतार चढ़ाव एक लगातार पेटी के रूप में मिलता है तभी नगर के केंद्र से कोई सा भी अर्धव्यास लेकर पेटी की रेखाएं स्वेच्छा से हम खींच सकते हैं यह सिद्धांत एक संकेंद्रीय वलय में एक ही प्रकार के निश्चित तथ्य के वितरण की ओर संकेत करता है डेविस का कहना है कि यह सिद्धांत नगर के उद्योगों और रेल मार्गों के भूमि उपयोग का कोई वर्णन नहीं करता औद्योगिक कार्यकलाप किसी भी पेटी में मिल सकते हैं ऐसा न केवल शिकागो नगर में देखने को मिलता है बल्कि अन्य नगरों में भी इसी प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस मामले में उन्होंने पांच बातें बताई पहली मध्यवर्ती भाग का आकार अनियमित होता है लेकिन इसका आकार वृत्ताकार के स्थान पर आयताकार या वर्गाकार होता है ये सी की बात कर रहे हैं दूसरा व्यापारिक भूमि उपयोग नगर के केंद्र से बाहर की ओर आर्य सड़कों के किनारे विस्तृत हो जाती हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इसका जमाव भी हो जाता है जिससे व्यापार के उपकेंद्र बन जाते हैं तीसरा उद्योग धंधे नगर में यातायात साधनों जैसे जल और रेल मार्गों के किनारे स्थापित हो जाते हैं अन्य सुविधाओं के मिलने से यह कहीं पर भी स्थापित हो जाते हैं चौथा औद्योगिक व यातायात क्षेत्रों के निकट ही निम्न आय वर्ग के लोगों के मकान देखने को मिलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तनख्वाह इनकी तक कम होती है और ये अपने जो साधन होते हैं उससे रहने मात्र के लिए अपना जो आश्रय ढूंढते हैं वो वहाँ पर उनको सस्ते में मिल जाता है और उनका आवागमन का जो पैसा है उस पर भी बचत होती है इसलिए ये लोग ऐसे ही स्थानों पर रहना पसंद करते हैं पांचवा उच्च या मध्यम श्रेणी के लोगों के मकान नगर के किसी भी भाग में मिल सकते हैं उपयुक्त बातें नगर में विभिन्न कार्यों के वितरण के आम सिद्धांतों को प्रकट करती हैं नगर में एक ही प्रकार की के भूमि उपयोग के ढांचे एक स्थान पर मिलने मुश्किल है यहाँ तक कि इनका आदर्श रूप भी देखने में नहीं आता इस सिद्धांत तो द्वारा बताया गया एक संकेंद्रीय वलय दूसरे संकेंद्रीय वलय का अतिक्रमण या अपहरण भी कर सकता है ऐसा दो बातों पर निर्भर करता है पहला तो नगर में आर्थिक सुविधाओं का विस्तार और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की दर तो आज हम बात कर रहे थे नगरीय आकारि की और जिसमें हमने मुख्य रूप से नगर का जो कंसनट्रेट जोन थ्योरी है उसके बारे में अध्ययन किया उसकी आलोचना के बारे में अध्ययन किया हम दूसरे पार्ट के अंदर नगर के जो अन्य दो सिद्धांत हैं नगरीयकारी के उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद